बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग? कैसे बढ़िया ही होंगे एंड यार आगे बढ़े रहे हैं। तो आज का एक नई एंड इंटरेस्टिंग एंड मजेदार एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड उसके साथ काफी ज्यादा मजेदार एंड उसके साथ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि यार आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्री फायर के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार एंड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स के बारे में। सो गाइस, अभी लगभग एक घंटे पहले की बात है, मैं यार अपने यूट्यूब शॉर्ट्स को स्क्रॉल डाउन कर रहा था एंड तब यार मेरे को कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफी ज्यादा मजेदार एंड काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स देखने को मिले, जो गाइस यार मुझे देख के लगा कि मुझे आपको भी बताने चाहिए। तो तभी गाइस यार मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड मजेदार होने वाली है। सो इसलिए अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। उसके साथ यार जो भी बंदा चैनल पे न्यू आ रहा है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, ऐसी फैक्टफुल अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वो भी सबसे पहले। तो चलो गाइस यार बिना देरी करे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले फैक्ट की बात करें तो वो गाइस यार होने वाला है आपके गन स्किन्स के बारे में। तो यार जहां तक है आप सबको ये बात तो पता ही होगी कि अपनी सबसे पहली फ्री फायर की गन स्किन कौन सी थी। लेजेंडरी में सबसे पहली ग्लू वॉल की स्किन कौन सी थी, ग्लू वॉल की तो लेजेंडरी होती ही नहीं है। एंड यार अपनी सबसे पहली ग्रेनेड की स्किन कौन सी थी। एंड यार उसी के साथ जहां तक है आप सबको ये सब तो पता ही होगा कि इन सबकी फर्स्ट स्किन कौन सी थी, लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि अपनी सबसे पहली मीली की स्किन कौन सी थी। सो मीली का तो आपको पता ही होगा, मीली में अपने पराग आता है, अपना कटाना आता है, अपना गाइजर बैट आता है, अपना पैन आता है, अपना चाकू आता है एंड ऐसी काफी सारी चीजें आती हैं। तो यार आपको ये बात पता है कि अपनी सबसे पहली मीली की स्किन कौन सी। तो जहां तक आप में से काफी सारे लोग सोच रहे हो कि पैन की स्किन थी जो कि आपको एफएफ टोकन में देखने को मिलती है, या फिर बैट की जो कि आपको एफएफ टोकन में देखने के लिए मिलती है, तो यार आप सही हो, ये अपनी सबसे पहली मीली की स्किन थी। लेकिन यार अगर हम लेजेंडरी स्किन की बात करें, जो अपनी सबसे पहली मीली की लेजेंडरी स्किन आई थी वो कौन सी थी, तो बताया था अपनी सबसे पहली मीली की स्किन जो थी वो थी अपनी कटाना की ब्लडी मून। ब्लड मून गाइजर अपनी कटाना की, अपनी पूरी मीली में सबसे पहले गाइजर अपनी कटाना की ही एक लेजेंडरी स्किन आई थी जिसका नाम था ब्लड मून। तो आप मेरे को बताना आप में से किस किस बंदे को इस बारे में आता था या फिर नहीं। अब बात करते हैं अपने सेकंड फैक्ट की। तो आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी या फिर जहां तक है नहीं करी होगी कि यार जब भी आप अपने बरमूडा मैप में जाते हो ना, आप यहाँ अपके से जाओ तो एक बार नोटिस करके देखना, दो तीन मैच खेलोगे तो कैनन लेके जाना अपने मैप में एंड उसके बाद देखना आपका जो एरोप्लेन होगा ना, अगर आपने तीन बार चार बार दस बार भी खेलोगे ना, एक चीज देखना हमेशा का इधर आपका जो एरोप्लेन होगा ना, आपका जो एरोप्लेन जो लैंड करता है वो हमेशा का इधर बरमूडा के पास से ही क्रॉस होकर जाता है, यानी कि बरमूडा की जो पूरी वैली है ना उस पूरी वैली को क्रॉस करके जाता है, चाहे गाइजर वो हल्का सा टच करके जाए या फिर यार उसके पूरा ऊपर से जाए, लेकिन यार जाता हमेशा बरमूडा की वैली के पास से ही है। ये गाइजर एक फैक्ट है एंड गाइजर आप भी एक बार नोटिस करके जरूर से जरूर ही देखना। यार जेन्युइन सी बात है, बीबा शक्ति जो है वो हमारे मैप का एकदम सेंटर पार्ट है, यानी कि हमारे मैप के बिल्कुल बीचों बीच में बनी हुई एक तरीके से वैली है वो। यार अगर प्लेन निकल के जाएगा चाहे कहीं से भी आए, एक बार तो उसे जानी पड़ेगा बीबा शक्ति से होकर से, क्योंकि वो एकदम सेंटर है अपने मैप का। सो गाइस यार बढ़ते हैं अपनी थर्ड फैक्ट की ओर। तो जहां तक है आप सबको एक चीज तो पता ही होगी कि अगर आपको फ्री फायर में लॉन्ग रेंज में फाइट लेनी है तो आपको एआर एमओ गन या फिर स्नाइपर एमओ गन पे जाना होगा, एंड अगर शॉर्ट रेंज में फाइट लेनी है तो उसके लिए आपको एसजी एमओ गन या फिर एसएमजी एमओ गन पे जाना होगा, क्योंकि एसएमजी और एसजी एमओ दोनों गन शॉर्ट रेंज में फाइट लेने के लिए होती है। और अगर हम एसएमजी या फिर एसडीएमओ गन से लॉन्ग रेंज में फाइट लेते हैं तो गाइस वो ले नहीं पाती, क्योंकि इतनी उनकी रेंज नहीं होती है एंड डैमेज काफी ज्यादा कम हो जाता है। कभी कभी तो गाइस वो लोकेट भी, यानी कि गाइजर का जो एम होता है वो गाइजर रेड भी नहीं होता है, यानी गाइजर आपकी जो गोली होती है ज्यादा रेंज अगर हो जाती है तो टच भी नहीं करती है बंदे को, अगर गाइजर वो कोई एसडीएमओ या फिर कोई एसएमजीएमओ गन है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं उससे ढाई साल पहले की, तो गाइस तब एक न्यू गन आई थी जो गाइजर आपकी एसएमजीएमओ गन थी एंड उसकी रेंज AWM जितनी थी, यानी गाइजर उस गन के अंदर 8x स्कोप लगा हुआ था एंड गाइजर वो एक एसएमजी एमओ गन थी, लेकिन फिर भी आप उससे लॉन्ग रेंज में फाइट ले सकते थे एंड यार उसका जो डैमेज होता था वो भी गाइजर AWM से कम नहीं होता था। तो ये गाइस मैं बात कर रहा हूँ CGSCC, तो गाइस लगभग कुछ ऐसे ही इस गन का नेम था एंड यार ये अब से काफी पहले आए थे एंड सच बताऊं ये वाली गन मेरे हिसाब से अब तक की सबसे बेस्ट एसएमजी एमओ गन थी। यार जब हम इसे चार्ज करके मारते थे ना तो ये लगभग 150 से 250 तक का डैमेज दे करती थी, चाहे आपने वेस्ट पहनी हो या फिर नहीं। सो गाइस यार बढ़ते हैं अपने फोर्थ फैक्ट की ओर। एंड यार फोर्थ फैक्ट की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार अगर आप अभी तक वीडियो को वॉच कर रहे हो तो जरूर अच्छी तो लग रही होगी।
बात करते हैं अपने फोर्थ फैक्ट की, तो जहाँ तक आप सबको वैगर पैट के बारे में तो पता ही होगा, जो गाइजर मेरे हिसाब से अपने फ्री फायर का अब तक का सबसे बेस्ट पैट है, क्या लुक्स के मामले में या फिर उसके स्किल के मामले में। यार दिखने में भी काफी अच्छा लगता है, उसके साथ अगर हम उसकी स्किल की बात करें तो वो तो सुपर से भी ऊपर है, क्योंकि यार अगर वो जब फुल चार्ज हो जाता है ना, तब लगभग वो हमें दो ग्लू वॉल ऐसी फोकट में देता है लगभग एक दो मिनट के अंदर, क्या है गाइजर अपना कोई भी मैप खेल लो आप। लेकिन गाइज भाई अगर हम इस पैट की बात करें, यार ये पैट ना अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड में हो तो गाइज यार ये पैट आपको ग्लू वॉल ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं देता है। ये चीज अगर आपके पास पैट है ना ये, तो आप नोटिस करके भी देखना, यार ये वाला जो पैट है ना ये आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लू वॉल्स नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि यार अगर आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लू वॉल लेनी है तो उसके लिए आपको जरूर उसके स्टॉक पे जाना होगा, यानी गाइज जो बॉक्सेस रखे होते हैं ना जिससे आपको लेना पड़ता है वहीं आपको जाना पड़ेगा। यानी यार ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लू वॉल होल्ड करने की जो लिमिट होती है वो सिर्फ 2 ही है, अगर आपने ग्लू वॉल ले रखी है एंड उसके बाद आपको वैगर भी ग्लू वॉल देगा तो आपकी जो लिमिट होती है वो ज्यादा हो जाती है। एंड गाइज ट्रेनिंग ग्राउंड में इतनी लिमिट अलाउड नहीं है, तो इसी वजह से गाइजर वैगर पैट आपको ग्लू वॉल प्रोवाइड नहीं करता है जब आप ट्रेनिंग ग्राउंड खेल रहे होते हो। सो गाइजर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की, तो गाइज ये एक फैक्ट नहीं मेरे हिसाब से तो ये फ्री फायर की करी हुई अब तक की सबसे ज्यादा मजेदार गलती है, जो कि गाइजर फ्री फायर से अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी जब गाइजर फ्री फायर ने अपनी फोर्थ एनिवर्सरी लॉन्च करी थी। गाइज फ्री फायर ने अपनी फोर्थ एनिवर्सरी का अपडेट प्ले स्टोर पर अपडेट कर दिया था, तो तभी गाइजर फ्री फायर ने गलती से फ्री फायर एनिवर्सरी की जगह फ्री फायर एनिवर्सरी लिख दिया था, यानी गाइजर एक गायब कर दिया था, जो कि गाइजर एक काफी ज्यादा जोकिंग टाइप की गलती थी एंड एक फैक्ट भी है। सो यार आपको तो पता ही होगा अगर गाइजर आप एक वाईफाई यूजर नहीं हो मेरी तरह, तो आपको गाइजर हमारी दुख भरी दास्तान तो पता ही होगी। यार अगर हम जरा सी अगर एक घंटे भी अगर टिकटॉक देख लिया करते थे पहले, तब गाइजर एक घंटे के अंदर वो हमारा 2 GB का नेट पीछा करता था। एंड गाइजर वही अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, अगर हम 1.5 घंटे इंस्टाग्राम को देख लेते हैं तो गाइज समझ लो आपका गाइजर आज का नेट तो चला ही गया। एंड यार यूट्यूब का तो आपको पता ही है, अगर आप यूट्यूब फुल HD में देखते हो तो गाइजर आपको एक वीडियो देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। विद इन गाइजर अगर आपने कोई भी वीडियो अगर 2K में लगा दी तो गाइजर आपका जो नेट है इन जस्ट 10 मिनट एकदम खाली हो जाएगा, चाहे वो 2 GB हो या 3 GB हो, क्योंकि यार ये सारे ऐप्स काफी ज्यादा नेट चूसते हैं। वहीं अगर हम बात करें फ्री फायर की, आपने गाइजर क्या कभी ये जानने की कोशिश करी है कि आपका फ्री फायर कितना नेट लेता है, यानी गाइजर आपका फोन का नेट जो है कितना पीता है फ्री फायर। तो गाइज सच बताऊं ना तो यार ये सारे के सारे JCB एप्स की तरह नहीं है यार, ये एकदम ना सुजुकी एक्सेस 125 की तरह है यार। ये एक घंटे के अंदर जस्ट गाइज अगर आप एक घंटे फ्री फायर खेल लो लगातार, तो तब जाके गाइजर ये आपका 30 MB नेट लेता है, यानी गाइज अगर आपका डेली डेटा भी खत्म हो गया है ना तब भी आप इसे खेल सकते हो, भले आपको पिंग देखने के लिए मिलेगा लेकिन तब भी आप इसे खेल ही सकते हो आराम से, क्योंकि यार ये आपका एक घंटे का सिर्फ 30 MB ले रहा है। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो गाइज अगर आप फ्री फायर को पूरे दिन लगातार खेलते हो तब भी जाके गाइजर आपकी लगभग सिर्फ 3.6 GB जाने वाली है, उससे ज्यादा नहीं। एंड वही अगर आप गाइजर 10 मिनट की 4K 2K वीडियो देख लोगे तो आपका पूरा 3 GB नेट गायब हो जाएगा। सो गाइस वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक लास्ट फैक्ट बताना चाहता हूँ, गाइस जहां तक आप सबको पता हो अगर आपको फ्री फायर में कहीं पे भी कभी भी टावर चाहिए होता है तो गाइजर आपको हर जगह तो पेड़ और घर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना होगा ग्लू वॉल चाहिए होगी। एंड गाइज अगर हम इस ग्लू वॉल की बात करें तो जैसी अगर आपको अभी देखने को मिलती है पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी, यानी गाइजर जो ये ग्लू वॉल थी पहले गाइजर जैसी अभी साइज होता है इसका पहले काफी ज्यादा छोटा हुआ करता था, यानी गाइजर छोटा साइज जैसे कि आप इधर पिक्चर में देख पा रहे होंगे। उसी के साथ गाइजर जो इस ग्लू वॉल का जो आइकन होता है ना वो भी गाइजर काफी अलग हुआ करता था, अभी के गाइजर टाइप से तो काफी ही ज्यादा अलग हुआ करता था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं गाइजर, ये ग्लू वॉल आपको फ्री फायर गेम में पहले से देखने के लिए नहीं मिलती थी, पहले गाइजर आपके फ्री फायर में आपको काफी सारे पेड़ एंड गाइजर बनाना के पेड़ आपके गाइजर खजूर के पेड़ ऐसे काफी सारे पेड़ देखने के लिए मिलते थे, ग्लू वॉल देखने के लिए नहीं मिलती थी। गाइजर इन सब ट्रीज से जो अपना फ्री फायर का मैप था वो काफी ज्यादा डर्टी लग रहा था, तो इस वजह से फ्री फायर ने उसे निकाल दिया, सारे ट्रीज हटा दिए। एंड तब गाइजर फ्री फायर ने ग्लू वॉल को इंट्रोड्यूस करा, तब जो हमारी सबसे पहली ग्लू वॉल आई थी वो एकदम छोटी ग्लू वॉल हुआ करती थी, यानी गाइजर आपके प्लेयर के आधे साइज की, लेकिन फिर फ्री फायर ने अपने अगले अपडेट में इसे सही साइज का कर दिया। गाइजर आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही, होप करता हूं आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, इसको भी पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, उसके बाद जो भी बंदा चैनल पे न्यू आ रहा है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर देना, मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए वो भी सबसे पहले। मिलेंगे आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।